डाउट नट, अगर स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन में फंस गए हो तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। चाहे वो क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, क्लास 6 से 12 नीट आईटीजेई मेंस एंड एडवांस का क्वेश्चन हो, फिजिक्स का क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, मैथ का, बायोलॉजी का, कोई का भी क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास 9 से 12 हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में डेली लाइव क्लास चल रहा है डाउट नट पर। डेली 3 करोड़ छात्र डाउट नट से तैयारी कर रहे हैं, तो आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से। बीकेएसयू के ऐसे स्टूडेंट जो सत्र 2019-22 के बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 1 एग्जाम का असाइनमेंट जमा कर रहे हैं, बार बार एक ही सवाल करते हैं कि सर असाइनमेंट जमा करने में कुछ पैसा भी लगेगा क्या, और कितना पैसा लग सकता है, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, और कब तक हम असाइनमेंट जमा कर सकते हैं। बहुत सारे छात्र वीडियो प्रोवाइड कराने के बाद भी सवाल करते हैं कि सर हिंदी कंपोजिशन का हम पुराना वाला बना लिए हैं तो मेरा क्या होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से पल पल का खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए बीकेएसयू आरा ऑफिशियल। वहाँ पर आपको 15,100 छात्र मिलेंगे, वहाँ पर जुड़ जाइए। जो भी नोटिस रहता है हम लोग वहाँ पर डाल देते हैं पार्ट 1 स्टूडेंट का हेल्प के लिए। जैसे जैसे आप लोग का एग्जाम आएगा वैसे वैसे आप लोग को हेल्प के लिए टेलीग्राम हम लोग चैनल बनाते हैं, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। बीकेएसयू आरा स्टूडेंट हेल्प है, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से जुड़ जाइए। वहाँ पर छात्र एक दूसरे को आंसर भेज रहे हैं असाइनमेंट का, एक दूसरे का मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग को दिल से थैंक यू है, आप लोग इतना दुआ किए हैं हमारे परिजन के लिए। अभी स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, अभी भी हम रूबन में ही हैं लेकिन स्थिति में 2 से 3 दिन में सुधार हुआ है। तो आप लोग दुआ ज़रूर कीजिएगा कि सही से हो जाए। अभी डायलिसिस हो रहा है, फर्स्ट स्टेज हो गया है, 2 दिन से नहीं हो रहा था लेकिन आप लोग का दुआ का असर दिखा है। सभी को दिल से थैंक यू है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग का जो स्नातक पार्ट 1 का असाइनमेंट पेपर जमा हो रहा है तो कोई कोई कॉलेज में 30 तक जमा हो रहा है, कहीं कहीं 25 तक जमा हो रहा है। तो आप लोग कॉलेज में ज़रूर संपर्क कीजिएगा क्योंकि आपका कॉलेज में ही विभाग में असाइनमेंट जमा हो रहा है। तो कोई कॉलेज अपने स्तर से सूचना जारी किया है तो आपको उसको फॉलो करना होगा क्योंकि आपका असाइनमेंट कॉलेज में ही जमा होगा और 15 फरवरी तक ये लोग मार्क्स फाइल विश्वविद्यालय को भेजेंगे। तो जो भी दिक्कत है तो कॉलेज मैनेज कर सकता है, कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। आप लोग अगर हिंदी कंपोजिशन का पुराना वाला बना लिए हैं तो कॉलेज में अपने विभाग में संपर्क कीजिए। बहुत सारे कॉलेज पुराने वाला ले रहे हैं। हम 3-4 दिन पहले आपको बताए थे कि वहाँ पर प्रिंसिपल से बात किए थे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज के, तो सर लोग बोले थे कि हम लोग ले रहे हैं क्योंकि छात्र बनाए हैं तो हम भी समझ रहे हैं कि दोबारा बनाना सही नहीं है। तो इतना टेंशन लेने का बात नहीं है। जो लोग पुराना बना लिए हैं असाइनमेंट हिंदी कंपोजिशन ये सब का तो कॉलेज में संपर्क कीजिए, विभाग में जमा हो जाएगा और आप लोग जाके जमा कर दीजिए। कोई कोई कॉलेज में 30 तक डेट है, कोई कोई कॉलेज में 25 तक डेट है, कोई कोई कॉलेज में 28 तक डेट है। तो कॉलेज में आप लोग ज़रूर संपर्क कीजिएगा, देख सकते हैं ये सब। और रोल नंबर के हिसाब से भी बहुत सारे कॉलेज में आपका असाइनमेंट जमा हो रहा है जहाँ ज़्यादा स्टूडेंट हैं। देख सकते हैं आपका SB कॉलेज का सूचना है, यहाँ पर आपको असाइनमेंट जमा करने को लेकर कहा गया है। असाइनमेंट आपका जमा करने के लिए छात्र छात्राओं स्वयं उपस्थित हों, अन्यथा उनका असाइनमेंट जमा नहीं होगा। तो ये सब बातों का आपको ध्यान रखना, इसलिए वीडियो प्रोवाइड कराए हैं। देख सकते हैं आपका हिंदी कंपोजिशन का पुराना वाला जो लोग लिख लिए हैं अपने विभाग में जाकर संपर्क कीजिए, जमा हो जाएगा, कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं ये कॉलेज है आपका, सूचना निकाला हुआ है कि आपका ये जो ग्रेजुएशन का BA BSc BCOM का पार्ट 1 का यहाँ पर असाइनमेंट जमा हो रहा है। तो यहाँ पर ये लोग एक पेपर का 40 रुपया, मतलब 5 पेपर का कितना हुआ, 40 × 5 कितना हुआ, 200। तो कुछ कुछ कॉलेज प्राइवेट कॉलेज हैं जो पैसा भी ले रहे हैं, छात्र फंस जाते हैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेकर। एडमिशन में भी ज़्यादा पैसा लगता है, गवर्नमेंट वाला का लगेगा 500 तो आप लोग का 1000 लगेगा। फॉर्म में भी गवर्नमेंट वाला का 395 रुपया लग रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का 1200-1300 लग रहा है। देख सकते हैं असाइनमेंट में भी आप लोग का पैसा लग रहा है। तो ये वीडियो प्रोवाइड कराने का यही मतलब है कि जो भी छात्र प्राइवेट कॉलेज से हैं तो असाइनमेंट जमा करने समय आप लोग क्या लेके जाइएगा, तो 400-500 रुपया अपने हाथ में आप लोग रख लीजिएगा क्योंकि प्राइवेट कॉलेज कभी भी डिमांड कर सकता है तो आपको देना होगा, आपके पास कोई चारा है नहीं क्योंकि आपको अच्छा मार्क्स लाना ज़रूरी है।
अब देखिए असाइनमेंट जमा करते समय कोई डॉक्यूमेंट भी आपको लेके जाना होगा। पार्ट वन का प्रवेश पत्र प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग आपका होना चाहिए। दूसरा में आपका है सभी असाइनमेंट कॉपी को एक फाइल फोल्डर में जमा करना होगा। परीक्षा फॉर्म भरने का जो रसीद है उसका भी आपको एक छाया प्रति ले लेना होगा। उसके बाद लिखता है सभी छात्र एवं छात्राओं को सूचित किया जाता है कि उक्त तिथि के बाद किसी भी परिस्थिति में असाइनमेंट कॉपी महाविद्यालय में जमा नहीं होगा। मतलब देखिए 30 या उससे पहले आपको जमा कर देना है। कॉलेज में ज़रूर संपर्क कीजिएगा क्योंकि अब असाइनमेंट जमा करने का सिलसिला कॉलेज में शुरू हो गया है। सभी को बेस्ट ऑफ लक है। हम विश करते हैं सबका अच्छा से असाइनमेंट जमा हो। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग के लिए कैसे भी टाइम निकाल के वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जो भी छात्र पार्ट वन का असाइनमेंट जमा करने जा रहे हैं तो अपने विभाग में अटेंडेंस शीट एक होता है, वहाँ पर सिग्नेचर जरूर कीजिएगा। अगर आप असाइनमेंट जमा करके सिग्नेचर नहीं कीजिएगा तो आपका असाइनमेंट जमा करने का कोई मतलब नहीं रहेगा, आपका रिजल्ट को रोक दिया जाएगा। तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर एक छात्रों के पास ये बातों पहुँचे, क्योंकि आपको विभाग में असाइनमेंट जमा करते समय सिग्नेचर करना है, क्योंकि यही सिग्नेचर आपका अटेंडेंस शीट है।